गुड इवनिंग एवरीवन, हम लोग आए हैं छत पर और यहाँ पर पेंट का काम चल रहा है। जो ये शर्ट बनवाया था ना, इसमें पेंट का काम अभी चल रहा है और अभी दो टंकियाँ भी आई हैं हमारे वहाँ, ये भी फिट करवाएंगे क्योंकि हमारी जो पीने के पानी की टंकी है उस पर कोई मजदूर चल गए थे तो इस वजह से वो फूट गई है। मैं आपको बताती हूँ, देखो ये यहाँ से सिर्फ फूट गई है और इसमें से पानी बह रहा है तो पूरी सीलन हो रही है छत पे। अभी जब तक काम चल रहा था हमने चेंज नहीं करवाई, लेकिन अब इसको चेंज करवानी पड़ेगी। और दो टंकी इसलिए लाए क्योंकि एक तो ये वाली टंकी चेंज करवाएंगे हम और दूसरी हमारे किराएदार की छोटी टंकी है, उसको वो वहाँ पर दिखती है, उसे भी चेंज करवाएंगे। आज पूरे दिन ना मौसम बहुत अच्छा रहा है, अभी भी बादल है लेकिन थोड़ा सा धूप आ रही है। और यहाँ से आप देखिए पापा का ऑफिस भी दिखता है, ये रहा उनका ऑफिस। और हमारे वहाँ छत पे से देखिए व्यू कितना अच्छा दिखता है। और ये उस दिन पापा दिखा रहे थे आपको ग्राउंड गुरुकुल का, ये यहाँ पर दिख रहा है ग्राउंड। उस टाइम वो जूम करके नहीं दिखा पाए थे तो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। यहाँ पर हम लोग सब वॉक करने जाते हैं लेकिन अभी कुछ दिनों से यहाँ नहीं जा रहे हैं हम, क्योंकि अभी बाहर निकलना अलाउ नहीं है। देखिए बहुत बड़ी खुशी की बात, हमारी बालवर में फूल आ गया, ये पहला फूल आया है इसमें। और अभी ये बहुत छोटी है, देखो आप सिर्फ इतनी बड़ी है, इसमें फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। और साथ में इस टमाटर के पौधे में भी फ्लावर आ गया है, ये देखिए कुछ दिन में इसमें, मैं दिखाती हूँ ढंग से फोकस नहीं हो रहा है आज, ये देखिए टमाटर में भी फ्लावर आ गया है। और अभी इसे भी लगाए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसको लगाए हुए भी 15-20 दिन हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इसकी हमने कलम लगाई थी, पापा ने वहाँ पर गार्डन में उगाया था ये, और उसके बाद हमने टमाटर के रोपे लगाए थे, पापा ने वहाँ गार्डन में उगाया था। देखिए और कितनी जल्दी इसमें फ्लावर्स आ गए, अभी सारे पौधे यहाँ पर अव्यवस्थित हो रहे हैं। देखो आप यहाँ पर काफ़ी सारे पौधे हैं हमारे पास, लेकिन जब तक ऊपर काम नहीं हो जाता तब तक ये इनको यहीं पर रखना पड़ेगा। और हमारे पास मैंगो का भी प्लांट है और ये है अंगूर की बेल, काफ़ी बड़ी हो गई, बहुत छोटी से लाए थे हम, अभी से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लेकिन काफ़ी बड़ी हो गई है। आज शाम को मैंने व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि कल रात में चिंटू की तबीयत ख़राब हो गई थी और रात में हम लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। उसकी मम्मी का कॉल हमको 1:30 के लगभग आया, जिसकी वजह से फिर उसके घर हमें जाना पड़ा। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्या पता उसे क्या हो गया था, लेकिन उसने रात में शायद कोई सपना देखा था जिसकी वजह से वो बहुत घबरा गया था और घबराहट में उसका बीपी लो हो गया था। वैसे भी वो पहले भी एक बार बीमार हुआ है तो हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा डर गए थे इस वजह से। और उसके पापा रेलवे में जॉब करते हैं, इस वजह से उनकी नाइट ड्यूटी थी और वो जॉब पे थे तो हम लोगों को जाना ही पड़ा। और फिर वहाँ जाकर उसे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था तो हम लोग उसे अपने घर ले आए। फिर उसे रात में नींद नहीं आ रही थी, घबराहट हो रही थी, बेचैनी हो रही थी, तो उस वजह से ना वो सो पाया और ना उसे देखकर हम सो पाए। पूरी रात हम लोग जगे हैं और उसके बाद सुबह 7 बजे के लगभग उसके पापा जॉब से आए, फिर वो अपने घर गया और हम लोग फिर थोड़ी देर आराम किए। आराम क्या किए, सिर्फ बैठे और चाय वगैरह पी हमने, इतना आराम हुआ है हमारा। क्योंकि उसके बाद मुझे अपना असाइनमेंट करना था, मम्मी को घर के काम करने पड़े। मैं थोड़ी सी मुलेटी खा रही हूँ, मेरा गला अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए हम लोगों ने आज शाम को व्लॉग स्टार्ट किया। और उसके बावजूद भी अभी आज काम कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा, अभी खाना बनाना है और मेरा असाइनमेंट भी लिख रही थी मैं, वो भी अभी चल ही रहा है। काफ़ी सारा असाइनमेंट भी लिखना है मुझे क्योंकि हमें यहाँ जनरल प्रमोशन मिल गया है, लेकिन हम लोगों को काफ़ी सारे असाइनमेंट दे रहे हैं क्योंकि उसी के बेसिस पे हमको मार्क्स दिए जाएंगे।
आज हम लोग खाने में आलू कच्चे आलू की सब्जी बनाने वाले थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ वो शेयर करूं। और इसके साथ पूरी बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जीरा डाल दी हूँ तेल में। जीरा तड़कने के बाद मैं इसमें बहुत ही फाइनली चॉप्ड ऑनियंस डालूंगी। और इसे ऑनियंस को अच्छा कलर देना है, क्योंकि अगर अच्छा कलर नहीं होता है तो सब्जी का कलर खराब हो जाता है। आज घर में हमारे वहाँ पूरी बनने वाली है, तो पूरी के साथ पापा को आलू की सब्जी खानी थी और हम दोनों हमारे लिए भिंडी की सब्जी बनाएंगे, क्योंकि भिंडी ज़्यादा दिन रहती है फ्रिज में तो उसका स्वाद खराब हो जाता है, तो हमने सोचा वो भी बना ले। वैसे भी ना हम दोनों आलू की सब्जी खा खा कर बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं, तो इसलिए हम दोनों आज भिंडी की सब्जी खाएंगे। वैसे पूरी के साथ भिंडी की सब्जी थोड़ा वियर्ड कॉम्बिनेशन हो जाता है, भिंडी खराब हो जाए उससे बेटर है कि हम उसको बना लें। अभी ये प्याज को अच्छा ब्राउन होने तक पकाऊंगी। और ये देखिए यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है, इसकी भी रेसिपी मैं आपको बहुत जल्दी दूंगी। ये काफ़ी दिन चल जाता है, महीने दो महीने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता अगर फ्रीजर में रखो तो। देखिए हमारे ऑनियन का कलर अच्छा आ चुका है, अब मैं इसमें एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी और इसे अच्छा पका लूँगी जब तक इसका पानी नहीं लग जाता। अब मैं इसमें सिर्फ दो चम्मच टमाटो प्यूरी जो हमने रेडी की थी वो डालूँगी, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड टमाटोस रहते हैं। अगर इसमें तेल ऊपर तक रहता है तो महीना खराब नहीं होता, वैसे इतना ज़्यादा चलता नहीं है क्योंकि टमाटर का यूज तो बहुत ज़्यादा होता है घरों में, वो तो जल्दी ख़त्म हो जाता। अब मैं यहाँ पर क्यूब में कट किए हुए पोटैटोस डाल दूँगी, इसमें मैंने पानी डाल के रखा था क्योंकि वो काले पड़ जाते हैं। अब मैं इसमें मसालों की सीजनिंग करूंगी, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे हम यहाँ। हम लोग थोड़ा ज़्यादा तीखा खाते हैं इसलिए इसमें 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाल दूंगी मैं और 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी। ये सब्जी पूरी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। से रखा है क्योंकि ये वाली कढ़ाई बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। देखिए मैंने मसाले डाल दिए थे वो थोड़े से पक गए हैं, अब मैं इसे मध्यम आंच पर ढककर पकाऊंगी। इसे हमें इतना पकाना है कि आलू अच्छे पक जाए, फिर इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालूंगी। इससे ना ये वाले मसाले सारे अंदर तक अब्सॉर्ब कर लेते हैं। सब्जी को चलाते रहेंगे क्योंकि बॉटम में बहुत जल्दी चिपक जाती है मसाले और टमाटर की प्यूरी रहती है। यहाँ देखना मुझे टमाटर की प्यूरी को थोड़ा भी पकाना नहीं पड़ा है क्योंकि वो प्री कुक्ड है। मैंने दूसरी तरफ भिंडी पकाने के लिए तेल डालकर उसमें जीरा डाल दिया। हमारी आलू थोड़ी पक चुकी है, मतलब अभी ये पूरी तरीके से नहीं पकी है लेकिन आधी से हो चुकी है। इसमें पानी डाल दूंगी, जितनी ग्रेवी रखना है उससे थोड़ा सा ज्यादा पानी डालेंगे हम लोग। क्योंकि ना अभी बॉईल आएगा और थोड़ा सा आलू और पकेगी तो उसमें पानी लगेगा। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें बॉईल आने देंगे बस, उसके बाद थोड़ी देर ढककर पकाएंगे मध्यम आंच पर। ये सब्जी बनने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है।
यहाँ पर देखिए मैंने दूसरी साइड भिंडी भी चढ़ा दी है। इसमें मैंने अभी नमक और हल्दी डाला है इसे और बाकी के मसाले थोड़ी सी देर में डालूंगी। हमारी आलू की सब्जी पक गई है, इसको फिनिश करेंगे हम आधा चम्मच गरम मसाला के साथ, मिक्स करेंगे। देखिए इसकी ग्रेवी का कलर कितना अच्छा लग रहा है। हमारी पूरी रेडी है, अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। पापा घर पे आ गए, हम लोग खाना खा रहे हैं। हम लोगों ने खाना खा लिया है और अब हम लोग न्यूज़ देख रहे थे। उसमें मैंने न्यूज़ में देखा केरल के मुन्नार में लैंडस्लाइड हुआ है बारिश की वजह से और वहाँ काफ़ी लोग फंस गए हैं। मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और हमारे वहाँ एक तरफ बारिश नहीं हो रही है, आप जानते हैं अगर इस बार बारिश नहीं हुई तो फसल अच्छी नहीं होगी। इतना कम पानी गिरा है हमारे वहाँ कि पीने की भी मुश्किल हो जाएगी। इवन हमारा बोरिंग भी सूख जाता है एक टाइम के बाद, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और केरल में इतने बुरे हालात हैं, मतलब कितना ज़्यादा प्रकृति का प्रकोप कह सकते हैं जो हम लोगों ने मिस्टेक्स की है ना अपनी लाइफ में। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, जब से लॉकडाउन हुआ है ना तब से हमारे पौधे इतने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं क्योंकि पॉल्यूशन कम हुआ है और हमारे पौधे बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं इस वजह से। तो हम लोगों को पॉल्यूशन कंट्रोल में रखना चाहिए। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और अभी 10:30 बज गए हैं और बहुत रात हो चुकी है। तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं हर हल की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी कि मैं आज वो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे अपना असाइनमेंट भी करना है। अभी मेरा असाइनमेंट भी कम्प्लीट नहीं हुआ है और साथ में खाना बनाने में भी बहुत देर हो गई है। अभी हम लोग खाना खा के फ्री हुए, कल मैं पक्का आप लोगों को उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल के ब्लॉग में। चलिए बाय बाय, थैंक यू। और प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगे हैं। चलिए बाय बाय।